आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करके एक 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 वचन हम कहेंगे, मेरे पीछे कहेंगे, बोले यहोवा मेरी चट्टान है। ऊंची आवाज में बोले यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा ईश्वर है, मेरी ढाल है, मेरा परमेश्वर है। ऊंची आवाज में आमीन हालेलुया। राज मिस्त्रियों ने उसको ठुकराया, उस पत्थर को ठुकराया, वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। हाँ कि ना? क्यों आ रहा है पत्थर, चट्टान? क्या कारण है? क्या सिखा रही है बाइबल हमें? बाइबल इस बात को बयान कर रही है कि शैतान के लिए आप चट्टान बन जाओ। लिखा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किस पर बनाया? चट्टान ते अपना घर बनाया। कौन बुद्धिमान है? जो और जो निर्बुद्धि है उसने रेत पर अपना घर बनाया। अगर हम बुद्धिमान की बात कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर को बिलीव करता हूँ, परमेश्वर पे मैं ईमान रखता हूँ, परमेश्वर पे मैं विश्वास रखता हूँ, तो कारण क्या है? आपको दिखाएंगे कैसे? अगर मैं आज अभी सबने हाथ खड़ा करके बोल दिया यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा ईश्वर है, क्या हम सच में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरी चट्टान है? आज आपका 2 साल का 3 साल का बच्चा बीमार हो जाता है, आप कहते हैं छोड़ देते हैं चर्च को, कहते हैं चर्च में कोई काम नहीं हो रहा है, मैं इधर जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी, या मैं उधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा। जब साबित करने का टाइम आया तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? विश्वास ये है, जब साबित करने का वक्त आया तब आपने परमेश्वर का सर ऊंचा किया या नहीं, ये है मेन बात। निर्गमन में लिखा, पुराने नियम में इसराइलियों को जब प्यास लगी तो कुड़कुड़ाने लगे मूसा पर और वो कहने लगे, क्या तू हमें प्यासा मारने के लिए ले आया है यहाँ पर? और मूसा वहां चुप था, मूसा ने वहां जवाब नहीं दिया और इस कारण वह उस देश में ना जा सका जहां परमेश्वर उसे लेके जा रहा था। और जब परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने कहा एक चट्टान है, उसमें तू लाठी मारी उसमें से पानी निकलेगा, वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप बाइबल का अध्ययन करें, आप बाइबल को सीरियसली पढ़ें, आपको पता लग जाएगा ये वो चट्टान थी जिसमें से पानी निकला और प्रभु यीशु मसीह वो है जिसमें से लहू निकला। आमीन। जब मूसा ने उस पर लाठी मारी, चट्टान में से पानी निकला है, जब फरीसी से कोड़े मार रहे थे उसमें से खून निकल रहा था, वहां इसराइलियों की उस चट्टान ने प्यास बुझाई है, वहां प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारा उद्धार किया है। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चिन्ह पहले ही दे दी कि वह क्या करने वाला है। नए नियम में हर जगह बाइबल में लिखा है कि आप देखने पाएंगे देश देश पे चढ़ाई करेगा, माँ बाप का आदर नहीं किया जाएगा, झगड़े होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या ये हो नहीं रहा है? हो रहा है। तो जब आपको शैतान डराए, क्या लिखा है बाइबल में, जब शैतान डराए तो क्या करो? आनंद समझो। जब शैतान उस आप जैसी चट्टान पर जब मारे, अगर आप टूट गए तो आप यहोवा की चट्टान नहीं है। लेकिन आप अगर टूटे नहीं, मूसा कहता अड़े रहो और खड़े रहो और खुदाबंद की निजात के काम देखो। हो सकता है आज आपका कर्जा लाल समुंदर हो, आपकी बीमारी लाल समुंदर हो, हाँ आप, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा वो लाल समुंदर हो, आपकी बीमारी वो लाल समुंदर हो, आपकी जॉब नहीं है लाल समुंदर हो, लेकिन अड़े रहो और खड़े रहो, खुदावंद की नजात के काम देखो, समुंदर 2 भाग होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपकी मर्जी ही चलती तो आप किसी मेलों में बैठे होते, शॉपिंग कर रहे होते, फिल्म देख रहे होते, हाँ कि ना? लेकिन खुदा आपको खींच के लाया है, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को लेकर आता है उसको, उससे वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए कोई योजना उसने बनाई होती है। बुलाए सारे गए हैं, आए कुछ हैं, चुने कुछ जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद किसी बहन को परमेश्वर प्रचार के लिए चुन ले, किसी भाई को परमेश्वर कोई वर्शिपर बना दे, सेवक बना दे, इवेंजलिस्ट बना दे, कुछ भी बना दे, क्या पता। और यही टेस्टिमनी मेरी भी है। किसी टाइम में मैं जस्ट वर्शिप करता था और एक दिन खुदावंद ने मुझसे बात की
मैं कहता मैं तुझे भविष्यता बनाने जा रहा हूँ, मैंने बिलीव नहीं किया उसकी बात पे। मैं कहा जब तक मुझे सामने से कोई आके कोई प्रभु का दास नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। और 3 दिन के बाद मेरे खुद के आत्मिक पिता मेरे पास आते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है। उस दिन मेरा रोना नहीं बंद हुआ। परमेश्वर जब आपको यूज करना चाहता है वो ऐप बोल के चुप नहीं हो जाएगा, काम करवाएगा। मूसा को जब परमेश्वर चुनने वाला था, मूसा कहता मेरी जुबान भद्दी है, कहता हारून को रखता हूँ तेरे साथ, लेकिन तू ये ना सोचियो कि तू नहीं करेगा कुछ, तू भी करेगा। योना भागता रहा, योना कहता मैं नीनवे नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, वहां के लोग ऐसे हैं। भाग गया, मछलियों से निगल लिया, 3 दिन के बाद उगल दिया। योना ने नीनवे बचाया, हाँ कि ना? आज आपकी लाइफ में भी परमेश्वर चाहता है आप किसी रूह को बचाएं, आप परमेश्वर के काम करें, आप परमेश्वर के सेवक बने, प्रबंधक बने, भविष्यता बने, प्रेरित बने, कुछ भी बने, लेकिन करें परमेश्वर के काम। आमीन। तो परमेश्वर को अगर आप बोल रहे हैं यहोवा मेरी चट्टान है, तो चट्टान वांगू अप्पा भी बनना है, क्योंकि अगर हम चट्टान नहीं है तो शैतान रोज दस्तक दे रहा है, बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, व्यभिचार के रूप में, नशे के रूप में, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, किसी भी चीज में फंस सकते हैं, लेकिन क्या अगर आप उसकी चट्टान है आप पे असर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं जो आपके इमेजिन से बाहर है, आपके आपके हाथों से बाहर है, मनुष्य से कहता है कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो मैं जब यहाँ पे कोने पे पहुंचा तब जब प्रभु ने मुझे बताया, तो मुझे पता है अभी भी, क्योंकि पिछला क्रूसर जब कराले में हुआ था वहां भी जब प्रभु ने मुझे कुछ बताया वहां, तब उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मीटिंग के बाद मुझे बताने आए। क्यों? क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रभु के दास के बारे में क्या लिखा है, मैं तुम्हारा कोई भाई, मामा, चाचा, ताया, जीजा नहीं हूं, मैं इस वक्त प्रभु का दास हूं। और प्रभु का दास कोई आम आदमी नहीं है, वह दुगने आदर के योग्य है, प्रभु के करीब है। अगर आप मुझे भाई जानकर बात करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, जीजा जानकर बात करोगे कुछ नहीं, पाजी जानकर बात करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर प्रभु का दास जानकर मुझसे बात करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ आज आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको इग्नोर किया हो, हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो सकता है आपके परिवार में एक लड़के को, एक भाई को या एक बहन को कोई पूछता ना हो, रिजेक्ट करता हो, तुच्छ जानता हो, आपके ऑफिस में आपको तुच्छ जानता हो, लेकिन परमेश्वर बोला तुम मेरे निकट एक बहुमूल्य पत्थर हो। मतलब तुम मेरे निकट बहुमूल्य पत्थर। कौन सा पत्थर? ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, बहुमूल्य। इस इंसान के लिए तुम रिजेक्टेड हो सकते हो, अपने खानदान में तुम रिजेक्टेड हो सकते हो, अपने घर में तुम रिजेक्टेड हो सकते हो, लेकिन मेरे निकट मेरे लिए तुम अनमोल हो। आमीन। हालेलुया। मेरे लिए कहता है तुम अनमोल हो, मेरे लिए तुम कीमती हो। हो सकता है आप रिजेक्टेड हो अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, आप खुद भी सोच सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन आप परमेश्वर के निकट बहुमूल्य हैं। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं ना, आप रिजेक्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ में, आपको इग्नोर किया जा सकता है अपनी आपकी लाइफ में, लेकिन आप प्रभु के लिए इग्नोर्ड नहीं है, आप प्रभु के लिए रिजेक्टेड नहीं है। यहाँ इस दुनिया में, इस शहर में, इस देश में, इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में आपसे पूछा जाता है तेरी काबिलियत क्या है, हाँ कि ना? तू की करती है भाई 12 MBA, BA, BTech, MTech की करती है? तू जो तूने डिग्री ली है उस करके तुझे जॉब मिलेगी, उस करके तुझे परखा जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, कहता है मैं तुच्छों के लिए आया हूँ, गिरे हुए के लिए आया हूँ, टूटे हुए के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्किल्स नहीं देखता है, बट टूटे मन को कहता है मेरे ग्रहण योग्य है। आमीन। हाँ, आप जब जाएंगे जॉब लेने, आप कहीं भी कुछ भी करने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा तेरी स्किल्स क्या है, तू क्या जानता है, और अगर कुछ नहीं जानते तो क्या बोला जाता है, तू दिहाड़ी कर सकता है और तू पत्थर उठा सकता है और कुछ भी नहीं। पत्रस के लिए क्या बोला गया, पत्रस एक अनपढ़ व्यक्ति था। हालेलुया। फरीसी कहते ये एक गवार व्यक्ति और ये कैसी बातें कर रहा है,
हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके द्वारा बात करता है, परमेश्वर आपसे जब बात आपके आपके मुख से बात करता है, तब ज्ञानवानों को कहता है मैंने लज्जित कर रहा है। आमीन, हालेलुया। शैतान डरा हुआ है लेकिन वो आपको डरा देता है। हम जीते हुए हैं लेकिन हम डर जाते हैं। कारण क्या है? हम बिलीव नहीं कर पाते कि खुदाबंद का जो वचन है वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो मेरे ही लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ जोर से परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। हाथ उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, आंखों को बंद करके धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में प्रार्थना को शुरू करो और प्रार्थना करो, धन्यवाद करो आज के वचन के लिए, हर एक बीमारी को निकल जाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ, और आपने उसको डांट लगानी है, उस दुष्ट आत्मा को डांट लगानी है, उस शैतान को बाहर निकाल के फेंको प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो घुटने का रोग हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो रसौली हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो जो चीज हो, उसे बाहर करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीमारी आपके शरीर का अधिकार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सच में। हालेलुया। और बड़ा आत्मा करे परमेश्वर,
मसीह के सामर्थ्य नाम में। वादा करो प्रभु, मैं तेरे लिए यूज होना चाहूंगा। कहो 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 उसी बात में बोलो परमेश्वर, मैं वादा करता हूँ तुझसे कि मैं तेरे लिए इस नशे को त्यागता हूँ और मैं गवाही के साथ तेरे भवन में खड़ा हूँ। आज जो सीखने को मिला है आपको भी और जो नए भी सीखने आए थे उनको भी, यहोवा आपकी चट्टान है और आज से आप उसकी चट्टान है। हाथों को उठाओ, आखिरी प्रेयर में जाएंगे। एक चीज और, प्रेयर से पहले आपका जो बीज आपके पास अभी है जो आप बोने के लिए लाए थे, संडे को चर्च में आप बोएंगे जाकर। आमीन। संडे को चर्च में जाके उस बीज को रख मत लेना अपनी सामान के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। जो बीज आपने निकाला है वो आपने वहाँ बोना है और जो संडे के लिए आपने अपने चर्च के लिए निकाला है वो भी वहाँ बोना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर आपका आपकी जीवित हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। परमेश्वर मेरा विश्वास है परमेश्वर, अनेक गवाहियां तैयार हो चुकी हैं तेरे नाम में। इस वचन से परमेश्वर अनेक दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं तेरे नाम में। अनेक गवाहियां तैयार हो चुकी हैं संडे के लिए। परमेश्वर ये पुलपिट में होंगे और गवाहियों के साथ होंगे मेरे खुदा। इस मीटिंग को परमेश्वर मैं तेरे सामने हाथों में देता हूँ कि तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि मेरे खुदा वाह शैतान ने बहुत चाले चले लेकिन तूने चलने ना दिया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ प्रभु कि तूने अपने दास की निंदा होने नहीं दी। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं मैं तेरे मसा में उन्हें उड़लता हूँ, तेरे लहू में उन्हें डुबाता हूँ। तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लेस करे मेरे खुदा बाप। मेरी प्रार्थना है यहाँ पर खड़ा एक एक जन उद्धार पाए तेरे नाम में, एक एक जन तेरे नाम में बरकत पाए, एक एक जन तेरे नाम में आशीषे पाए। परमेश्वर जो वचन आज बोया गया, अंधकार की शक्ति शैतान की ताकतें इन वचनों को इनके मनों से चुराने न पाए। तेरा आत्मा इन्हें बरकत से भर के रखे, वचनों से भर के रखे। सालवेशन डिलीवरेंस इनके साथ हो परमेश्वर। इन्हें छू और ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता। आमेन। हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो इनके लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा इन्हें बरकतों से भरे परमेश्वर, सामर्थ से भरे प्रभु जी। अपने लिए इस्तेमाल करे जो तूने योजनाएं इनके जीवन में बनाई हैं। तेरा आत्मा उन योजनाओं के अनुसार परमेश्वर ने यूज करे, इनको इस्तेमाल कर परमेश्वर। मैं चाहता हूँ ये यूथ तेरे नाम में बड़े बड़े काम करे, ये तेरा फेस बनने पाए परमेश्वर, ये तमाम दासों के परमेश्वर हेल्पर बनने पाए मेरे खुदा बाप। ये प्रबंधक ऐसे प्रबंधक बने परमेश्वर जो पौलुस के वक्त थे मेरे सामर्थी पिता। ये ऐसे प्रबंधक बने परमेश्वर कि तो इनसे हमेशा आनंदित रहे मेरे खुदा बाप। इन बच्चों को छू और ब्लेस कर, इनकी मेहनत को छू और ब्लेस कर, इन मजदूरों की मजदूरी परमेश्वर ये सवेरा ना होने पाए और मेरे खुदा बाप इनको इनकी मजदूरी मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, हालेलुया। God bless you all. सबको जय मसीह की।